और यहाँ पर डर नहीं लग रहा कार्रवाई? अरे मेरी गलती, इतनी कार्रवाई हो रही, पर कोई बात नहीं, मैं सच बोल रही, इतनी हो रही है, आप थोड़ा इंटरनल भी जाना। इतनी परेशानी मुझे हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, हद से ज्यादा। ठीक, दूसरी बात, सच मैं बोल रही हूँ, मेरे कौन सी फांसी लग जाएगी? जो मेरे फांसी लगेगी, अनुरोध करती हूँ देश के युवाओं से और महिलाओं से कि अगर मेरे फांसी लग जा, कुछ हो जा, दिक्कत हो जा, आवाज ऐसी उठाना सच के प्रति, लेकिन आवाज लास्ट में एक क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पे आप लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे, उस दौरान भगवान ना करे कुछ ऐसी घटना घट जाए कुछ हो? भगवान नहीं कर रहा आजकल यहाँ, भगवान नहीं कर रहा है, जो जिनको मेरी आवाज बुरी लग रही है वो कर रहे हैं। भगवान को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि भगवान किसी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। ठीक है, वो कर रहे हैं जिनको पूनम पंडित की आवाज अच्छी नहीं लग रही, जो पूनम पंडित को रोक रहे हैं, जो और लोगों को रोक रहे हैं, हरेंद्र बाबा जी, हमारे और भी बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, युवाओं को। कौन है वो लोग? तुम्हें पता नहीं है कौन है जो इस बिल को समर्थन करते हैं? वो है वो सभी लोग जो नहीं चाहते कि देश की जनता का आह्वान करूं मैं। देखा नहीं आपने शाहजहानपुर लखीमपुर में क्या हुआ? देखा आपने? या तो लोग कह रहे पूरा मैम लास्ट में मैम कानून का वे भी तो अरे वे ही खुद कह मैं कि या बिल को समर्थन में आंदोलन चल लो, वे ही तो कह रहे हैं इस बात को। कौन है वो, नाम तो बताओ। अरे मुझे, मैंने मिली हूँ क्या उनसे? बैठे थे वे यहाँ पे पड़ोस में, मुझे नहीं मिले, पता ना कौन से बॉर्डर पे बैठे, पाकिस्तान के पे, चाइना के पे, जो चलते चलते जापान पहुँच गए वो। मैम ये बताएं कि ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के तरफ से कि मैं सारी मांगों को मान रहा हूँ, लेकिन किसान की जो अड़ियल रवैया है, अड़ियल क्या है, अड़ियल बताओ, अड़ियल पहले आप जवाब दो, अड़ियल क्या? नहीं नहीं सुन तो लीजिए, अड़ियल तो बताओ आगे जब बड़ी हो। कानून वापस हो तभी मैं कुछ बोलूंगा। अच्छा, और संशोधन वो मान नहीं रहे हैं, ये किसमें कहा सच्चाई? यार लाने की कहा जरूरत थी, वो बात बता दो बस, इस बिल को लाने की जरूरत क्या है, बस यू बात बता दो, फिर ये भी जवाब दे देंगे। आपको नहीं लग रहा आप अपने बयान बदल रहे हो? काय को बदलते हैं बयान, काय को बदलते हैं? सारी मेरी वीडियो देखिए, अगर मैंने संशोधन का समर्थन करा हो। आपके किसान नेता आप लोग किन्ना कर कहाँ कर रहे हैं? आपकी लाए आप किसी का स्टेटमेंट जी सुनाइए। आपने कहा हम राजपथ पे परेड पे जाएंगे। कौन सी पे? राजपथ परेड पे तैयारी चल रही है एक महीने से आपकी कि राजपथ पे जाएंगे हम। हाँ, में हाँ, अब क्यों कह रहे हो रिंग रोड पे जाएंगे? अरे भैया मैंने नहीं कही, जिन्होंने कहा बड़े हैं वो हमारे, वो जिस तरीके से मानो उनको भी तो महसूस हुआ होगा ना कि हमारे जो देश का इतना बड़ा त्योहार है, क्या पता कोई सिस्टम खराब ना हो जाए, तो देश की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। पता चला की व्यवस्था, अरे दो दिन से कहे, कोई कई दिन पहली बात होगी? राष्ट्रीय पर्व है ये पूरी, अरे हमें पहले से पर्व, हम शामिल होना चाह रहे। अब इस बात पे सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखें किसान, बाकी सभी लोग भी कह रहे, तो उन्होंने ध्यान रख लिया। यू भी गलती करी। अगर किसान नेताओं ने ध्यान रख लिया, हमारे अंकल ने, हमारे बुजुर्ग ने, हमारे बड़े जितने भी हैं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रख लिया कि चलो ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि जो हम परेड कर रहे हैं उससे अव्यवस्था हो जाए तो हम यहाँ करें, यू भी गलत कर दिया उन्होंने। वो तो ये भी चाह रहे हैं घर चले जाओ। अरे हम घर काहे को चले जाएंगे? घर चले जाएंगे, कानून रद्द हो जाए हम भी चले जाएंगे, ये तो पता नहीं कहाँ चाह रहे। अरे हम देश के बात को ध्यान में रखते हुए, अंकल जी ने कहा देश की व्यवस्था खराब ना हो, हमारे ध्यान में रखकर कहो काहे को चले जाएंगे, हम चले जाएंगे भाई, सब चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। लास्ट में सरकार ये कह रही है कि इतने इतने फंडिंग हो रहे हैं, इतनी इतनी सारी व्यवस्था। अच्छा, हो रहे हैं, बिना फंडिंग के व्यवस्था कैसे हो रही है, इसमें कहां तक सच्चाई है? अच्छा आप एक बताइए, एक बात बताइए, किसने कही ये बात? नहीं सरकार कह, सरकार कहती है। आपके पास फोन आया? नहीं नहीं फोन नहीं, ऐसा लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। अरे पूरी बात भैया घबराओ मत, सारे जवाब दूंगी आपको। अच्छा ठीक, एक बात बताओ, जितने भी मेरे, देखो ये सरदार जी बाबा खड़े हैं, और भी धर्मों के लोग खड़े हैं, इनके बेटा बाहर है यूएसए में, इनका बच्चा यूएसए कनाडा में, कहाँ है जी बाबा जी? कनाडा में उनका बेटा, ठीक है, झूठ नहीं बोल रही, कैमरा घुमा के देख लेना। अब इनका बेटा कनाडा में है बाबा जी का, और उस उन भाई को पता है कि मेरे फादर साहब अपने हक के लिए, अधिकार के लिए बॉर्डर पे है, तो इन्होंने ये किससे पैसे मांगे? कौन सा उद्योगपति इनको फंडिंग करेगा? ये अपने बेटे से कहेंगे ना कि बच्चे मुझे यहाँ पैसे की जरूरत है, आंदोलन में हूँ, तो क्या गुनाह कर रहा उनका बेटा उनको पैसे दे करके, क्या गुनाह कर रहा? और इनको तो कोई भी उद्योगपति नहीं ना ऐसा, ऐसी फंडिंग को कहाँ मना कर रही है सर? तो और कैसी हो रही, और कैसी हो रही? मेरा धरता हुई ना, मेरे खाते में 42 रुपया, क्या बार बताऊं, 42 रुपया मेरे खाते में, और जिस दिन मेरे खाते में कुछ गड़बड़ ये लोग करवाते हैं, कोई भी व्यक्ति करवाता है, सबसे पहले मीडिया के सामने रूबरू हो जाऊंगी, मेरे खाते में पैसा है या पहले बवाल चेक करो किन्ने भेजे हैं, सबसे पहले करवाऊंगी। और बताओ मीडिया के, अगर इस बात पे इन पे, इस बात पे इन अंकल जी पे मुकदमा बनता है, जितने मेरे अंकल जी हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, तो इस पे क्या मुकदमा बनता है? सर जी कह रही है अगर गलत फंडिंग कहीं से कुछ हो रही है, अगर उसे एजेंसियां जांच कर रही है, तो दिक्कत क्या है? हमने तो कही ना भैया दिक्कत है, मैंने कही दिक्कत है, अच्छी बात है, उनका काम है, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, हमारा काम है, हम अपना कर रहे हैं, मैंने तो एक बार भी नहीं कही, लेकिन अच्छी बात है, व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं, इस
इस बात का भी तो ध्यान रखें जो 600 घर बन के वहाँ काम बसो। बाबा को भी धरें, राजपथ जाओगे रिंग रोड पे जाओ, जहाँ हमारे अंकल जी और हमारे बुजुर्ग और सारे कहेंगे वहाँ जाएंगे। मैं कोई स्पेशल ना हूँ, बार बार रिपीट, ठीक, क्या बार रिपीट करूँ, मैं स्पेशल हूँ, कोई खास हूँ। अरे आपको क्या दुख है हम कहीं भी जाए, आपको क्या दुख है हम कहीं भी जाए, अगर मोदी को खतरा है तो हमारे बीच में आ जाए। हमारे साथ आप मोदी के साथ है, आप सारी बात तो हमें बताते नहीं। राजपथ पे पहुँच जाए, आप रिंग रोड पे तो जहाँ पहुँचेंगे तू चाह जाना, पीछे फोन हम कर देंगे। ये बात मोदी जी पूछ के बताया करो हमें, हमारी बात वहाँ नहीं बताते आप, कौन से बताते तो आपकी बात नहीं बताते आप, टीवी में कभी आते ही नहीं। कि सारे किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो बिल है उनको पास कराना चाहती है, 2006 में बनकर तैयार हो गई थी, पास काय को ना हुई, इतना लेट कैसे होगा? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अरे मुझसे काय पूछ रहे, मैं पास करूंगा, मेरे हाथ में हो तो मैं आज ही कर दूं। सवाल तो सुन लो मैडम, सवाल तो मेरे हाथ में हो तो मैं आज ही कर दूं मैडम, सवाल क्योंकि किसान के हित में, देश के हित में। सवाल तो सुन, सुनाइए। 2006 में ही बिल बनकर तैयार हो गई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इस बिल पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन आज इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? स्वामीनाथन बिल पास करो, स्वामीनाथन बिल पास करो। अरे एक बात बता, ये तो पहले से मुद्दा उठ रहा, अब इन्होंने जो नए 3 पॉइंट लाए ना, तो इन बात इस बात का भी ज्यादा वो हो रहा सिस्टम का, ये तो 200 साल पुरानी चर्चा है, चल रही चर्चा ही तो चल रही, पास तो इन्होंने अब करें, काजरती करने की काजरती अच्छा लगा। अब इनको इसमें क्या अच्छा लगा, जब ये कर रहे थे कांग्रेस वाले, जब तो ये भी विरोध कर रहे थे, अब इन्हें क्या बढ़िया लगन लगा? पता ना कहा बढ़िया लगा, मुझे तो पता ना, विपक्ष का काम होता है। अरे पक्ष विपक्ष की छोड़ो, हम किसी पक्ष सुना, हम किसान परिवार सुना, किसान की बात हम कर रहे हैं, किस पक्ष विपक्ष की बात मत करो। अगर वो अब विरोध कर रहे हैं, जब ये विरोध कर रहे थे तो अब ये मान लेंगे उनकी, अब काय को ना मान नहीं है उनकी, अब मान ले। मैं लास्ट में दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम किसानों का सुरक्षा चाहते हैं, किसान अच्छी बात है, सुरक्षा चाहते हैं, और इस सुरक्षा किसान आंदोलन के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व कुछ भी घटना कर सकते हैं, तो हम अगर किसानों की सुरक्षा चाहते हैं, जिसमें खराब बात क्या है, किसान जहां है, किसानों ने कहा कही है खराब बात है, ट्रैक्टर रैली जहां किसान जहां है वहीं से करें प्रदर्शन। अच्छा वहां का ऐसी कहावा लुटियन जोर में कहा धरो जो हम ना जा सके, लुटियन जोन में नहीं, बहुत सेंसिटिव एरिया। अरे मेरी भाषा में लुटियन जोन कह रहे हैं, लुटियन जोन ठीक कहते हैं उसे, सेंसिटिव को कहा हाथ लगाने से एलर्जी हो जाएगी दिल्ली को। भैया जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम भी ध्यान रखेंगे, अगर हम सुरक्षा की दृष्टिकोण से नहीं देखते ना, तो 55 दिन हो गए आंदोलन को चलते, किसान ने किसी का नुकसान नहीं करा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करा, आप भी हमारे साथ बने हो, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार करा? वॉइस नेटवर्क न्यूज वाले भैया, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार करा? नहीं करा ना गजेंद्र भाई, नहीं करा। तो अब आप इस बात को देख लो कि किसान कितना चाहता है कि देश की सुरक्षा रहे, व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि 55 दिन से आंदोलन चल रहा, बहुत सभ्यता से चल रहा। मैम आज भी वार्ता हो रही है, और सरकार कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर कानून को वापस नहीं लेंगे, हम संशोधन करेंगे, अगर आज भी वार्ता विफल होती है तो अगला आपका कदम क्या होगा? मेरा ही कदम होगा, जो इनका कदम होगा, जो हमारे किसान नेता हमारे अंकल जी चाहता हूँ, मेरा भी उनके पीछे पीछे होगा, क्योंकि भैया मैं उनसे हूँ, वे मेरे से थोड़ी है, मेरी तो औकात भी ना कि मैं अपने बड़ों से ऊपर हो जाऊँ, मेरी औकात नहीं है इतनी, मैं अपने बुजुर्गों से ऊपर हो जाऊँ, मेरी औकात नहीं है मैं अपने देश से ऊपर हो जाऊँ, मेरी नहीं है इनकी ही, जब तो इन्हें नहीं कर दिया दीदी, अगर मेरे हाथ में आज बात होती ना, इतना किसान परेशान ना होता। माननीय नरेंद्र मोदी जी विनती करते हैं आपसे, देश के युवा, अरे माननीय भी लगा दी, मोदी जी भी कह दी, जी तो लगा रखा नहीं लगा रखा, सम्मान करते हैं उनके पद का, आप भी चेंज हो रही है, काई को चेंज होते हैं, हम तो माननीय भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, कोई हमने शब्द बोला किसी बाइट में? बोली, बताओ आप, बोला मैंने, फिर कैसे आप इस बात को अब मोदी जी नहीं कह सकते, जब हमने हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी कही, जब तो तुमने ऑब्जेक्शन नहीं करा, अब माननीय पे और मोदी जी पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, अनुरोध करते हैं मोदी जी से अनुरोध करते हैं, मोदी जी जो वहाँ पे इतने सारे घर बन गए अरुणाचल प्रदेश में, 600 गाँव बस गया है, मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया बड़े भाई, ठीक, उन्होंने मुझसे एक सवाल करा, मैं उनकी बात का जवाब दे दूँ, ठीक है, अनुरोध करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, बड़े भाई की बात को भी समर्थन करती हूँ मोदी जी से, हम जनता सारी अनुरोध करती है, किसान अनुरोध करते हैं कि जो वहाँ पे 600 घर बने हैं, थोड़ा सा यहाँ की जो टीम है वहाँ पे ध्यान दे, मैं
कि वो घर बस कैसे गए चाइना के, चाइना ने भर घर बना कैसे लिए। हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, देश की जनता पूछना चाहती है, किसान पूछना चाहता है, पूछता है भारत, और देख लिया भारत ने, देख लिए वे घर बने हुए भारत ने, भारत की जनता ने। तो अनुरोध करते हैं जितनी व्यवस्था आपने यहाँ की हुई है पुलिस प्रशासन की आई भी टीम की, थोड़ी सी वहाँ भी पहुँचा मैं, अनुरोध है। और जितने भी मेरे किसान भाई परेशान हैं, जितने को भी दिक्कत हो रही है, आप जरा गौर करें, आए वहाँ से, हमारी बात को समझें। और जो इसमें जितने भी लोग इस बिल का समर्थन करते हैं, मैं नहीं कहती, आप लोग ही कह रहे थे कि वहाँ धरना चल रहा है या समर्थन में, जितने भी वो लोग भाई लोग हैं, आज वहाँ इतने बच्चे आए हुए थे, उनकी बातों को थोड़ा वो सुन ले तो उनको समझ आ जाएगी कि हम कितने सही हैं और वो कितने सही हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।